प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से गणित को समझाया है। आपने वो सभी वीडियो को देख लिया होगा। सभी वीडियो को मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आपने उन सब वीडियो को देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम लिखें। मैं आपको वो चैनल की जो प्लेलिस्ट है जिसमें नवोदय की वीडियो है, मैं आपको अभी लिंक उसकी सेंड कर दूंगा। देखिए, यहाँ आपके पास है ब्रैकेट में 1 प्लस 2, फिर ब्रैकेट बंद, है ना, इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, यानी कि कोष्टक में क्या दिया है, एक, है ना, 1 धन 2, कोष्टक बंद है, गुणा 3 माइनस 3 गुणा 2 का मान बताइए। इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद ही हम इसको आगे हल करेंगे। तो ये अपना जो भागु योग नियम है ना, बोडमास का जो नियम है, उससे ये चल रहा है। तो देखिए, ये आपका क्या होगा, कोष्टक में 2 और 1 मिला के ये बन गया आपका 3 बन गया, ठीक है, गुणा 3 माइनस 3 गुणा 2, ठीक है। तो कोष्टक का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। तो सबसे पहले यहाँ अगर कोष्टक नहीं भी लगाए हम, 2 ने 1 3 हो गया, तो यानी कि क्या बना, ये 3 का गुणा 3 में होगा, ठीक है, 3 तिया यहाँ बना ये 9, फिर ये माइनस है, इन दोनों का गुणा होगा ना, तो 3 दूना 6, 9 में से 6 गया तो क्या बचा आपका, 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, 3 उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर, मतलब ये 3 आपका उत्तर आया। देखो ये कितना हो गया, 2 ने 1 3, ठीक है, तो ये 3 हो गया, यहाँ पर एक संख्या बन गई है। तो 3 गुणा 3 मतलब 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद ये गुणा का निशान यहाँ है, पहले भाग, तो भाग कहीं है नहीं, फिर गुणे का निशान यहाँ है, तो 3 दूना 6, तो मतलब ये आपका बना 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ बड़ी संख्या 9, 9 में से 6 गया तो आपका क्या बचा, 3, ठीक है। देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 मीटर, कितनी है लंबाई, 25 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, तो खेत की परिमाप बताओ, ठीक है। तो आयताकार खेत है, और उस आयताकार खेत की जो लंबाई है वो कितनी है, 25 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है, ठीक है। तो लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, खेत की परिमाप बताओ, तो आयत का परिमाप यानी कि खेत का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर हम परिमाप जो निकालेंगे ना, वो क्या होगा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई धन चौड़ाई से आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 लंबाई की जगह आप 25 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह 15 लिखेंगे, ठीक है। 25 और 15 को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना बनता है, ये 25 और 15 आपका बनेगा 40, ठीक है। और यहाँ गुणे में कौन है, 2, तो पहले हम कोष्टक हल किया, उसके बाद इसका गुणा करेंगे, 40 दूने कितना हो गया, 80, यानी कि परिमाप कितनी आई आपकी, 80 आई। देखो 25, ठीक है, ये 15, ये भुजाएं कितने की, ये 25 की, और ये कितने की, ये 15 की, ठीक है। 25 और 25 कितना हो गया, 50, और 15 और 15 30, यानी कि 80। परिमाप का मतलब पूरी माप, ठीक। तो ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ठीक है, ये तो 2 लंबाई और गुणे में 2 चौड़ाई, मतलब ये 2 बाहर है, दोनों में गुणा हो रहा है इसका, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, काय का फार्मूला है, आयत के परिमाप का। तो आयताकार खेत की लंबाई 25 है, चौड़ाई 15 मीटर है, तो हमने उसका परिमाप इस प्रकार इसको निकाल लिया। देखिए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, मतलब आपको 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए, और वो क्या होती है, 2 अंक की बड़ी से बड़ी 99, और 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो 2 अंक की छोटी संख्या होती है आपकी 10, ठीक है। 2 अंक ये शुरू होता है, इसका अंतर मतलब आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 89, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका उत्तर होगा। तो क्वेश्चन है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करो। 7 से किस संख्या में पूरा पूरा, विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है, उसको हम विभाजित बोलते हैं। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करो, इन चारों में से कौन सी एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो देखिए, ये यहाँ पर हम 7 से भाग लगाते हैं, 7 दूना 14, तो आपके पास यहाँ 15 है, तो 1 बचा यानी कि 13, अब इसमें भाग नहीं जा रहा। देखिए, तो ये तो ऑप्शन अपना होगा नहीं, यहाँ देख लेते हैं, 7 का पहाड़ा बोलते हैं, तो देखिए यहाँ 7 छंग 42, ठीक है, 46 है, तो 42 लिया, अभी 4 बचा, तो ये वापस क्या बन गया, वापस 46 बना, मतलब ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ देखते हैं, 7 दूना 14, अब
अभी पांच बचा है ना, 19 था ये, तो 7 × 8 = 56, मतलब सी ऑप्शन अपना उत्तर होगा। इसको चेक कर लेते हैं डी को, 7 है ना, 7 × 7 तो अभी यहाँ कितना बचा है, तो यहाँ 5 बच रहा है तो 57 बन रहा, मतलब ये 7 से नहीं, तो ये सी ऑप्शन आपका, यहाँ पर 7 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करो। तो विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 7 से पूरा पूरा भाग लगे वो संख्या कौन सी, 196। देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/5 भाग का मान कितना है, 20 है, तो एक संख्या हाँ तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो संख्या मान लेते हम एक्स, एक्स का कितना, एक्स के की जगह गुणे का निशान है ना, एक संख्या एक्स मान ली है ना, माना एक्स है, ठीक है, इस एक्स के कितना 2/5, तो एक्स के यहाँ गुणा लगा के भाग 2/5 का मान कितना होता, तो बराबर लगा दिया 20 होता, कितना होता है, तो ये समझ लेते हैं। देखो एक संख्या के, तो एक संख्या एक्स मान ली इसका, तो मतलब गुणे का निशान, 2/5 कितना होता 20, तो यहाँ बराबर लगाया। अब गुणे वाले को हम भाग में भेजते हैं, तो एक्स यही रह जाएगा, आपका 20 था। अब ये 2/5 जो गुणे में है ना, अगर ये सिर्फ 2 होता तो ये बटे में जाता, लेकिन 2 / 5 है, उसको हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको इतना समझ में आता होगा। 2 से इसको काटे हम, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी कि 10 का गुणा 5 में करने पे क्या बन रहा, एक्स बराबर 50, वह संख्या क्या है, 50 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, रुपये 1000 पर, ठीक है, 1000 पर कितना 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज है, तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। इस टाइप के सवाल यदि आपको नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप नवोदय विद्यालय के वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि आपकी गणित बहुत मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन 1000 रुपये है, दर कितनी 10% है, और समय की बात करें तो समय अब दिन में दिया है ना, 146 मतलब 146 दिन दिया है, तो आपको सूत्र पता होगा, साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो देखिए यहां पर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो यहां मूलधन की बात करें तो वो 1000 है, कितना मूलधन है, ये 1000 है, दर प्रतिशत में है तो ये 10 है ना, इस प्रतिशत के निशान के बटे में अपने क्या लगा दिया 100, ये यहाँ पर आपने 100 लिख दिया। समय की बात करें, समय दिन में 146 दिन, तो आप क्या करेंगे, 146 के बटे में आपको दिन के बटे में दिन लिखते हैं, तो आपको यहाँ 365 लिखना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिन का ब्याज निकालना है, वर्ष का नहीं निकालना, ठीक है। हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, ठीक है, 73, फिर 2 से काटा ना, तो 2 से ऊपर काटा, 2 से नीचे भी काटना पड़ेगा, यानी कि 2 × 5 = 10 और 0 का ये 0, ठीक है, इस शून्य से इस शून्य को काट दें, इस 5 से 1000 को काट दें, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 और ये 2 0 इसकी ये लगा दी, ठीक है, और 73 से हम अगर काटें, 73 × 5 होता है 365, ठीक, इस 5 से अगर इसको काटें तो 5 × 20 यानी कि 0, 40 उत्तर आएगा आपका, क्या ब्याज बनेगा, 146 दिन का क्या आएगा, 40 आपका उत्तर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा, ये 40 है ना, 1000 रुपये पर 10% हिसाब से कितना, 146 दिन का कितना ब्याज बना, 40 रुपये ब्याज बना। देखिए क्वेश्चन है, 2 + 2 + 222 है ना, −246 मतलब 2 + 22 + 222 − 246 का मान बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इन तीनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसमें से कितना कम करेंगे, 246, तो इसको आप जोड़ेंगे ना, 2 / 22 और 1 / 222 को, तो ये बना आपका 6, ये बना आपका 4 और ये बना आपका, तो 246 तो ये बन गया, इसमें से अगर यदि हम −246 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 0, ठीक है, इस 246 में से अगर ये कम होगा तो कितना बनेगा आपका, 0। देखिए अंकों 6, 9, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ, ठीक है, तो 6, 9, 4, 3 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, देखिए यहाँ सबके पास 6, 9, 4, 3 सबके पास है, 6, 9, 4, 3 यहाँ पर भी है, 6, 9, 4 और 3 ये भी आपका 6, 9, 4, 3 और ये भी 6, 9, 4, 3 सबके पास है, लेकिन छोटी देखना, तो ये 3000 है, ये आपका 6000 है, ये 3000 है और ये 9000 है, मतलब छोटी के लिए आपको ये 3000 जो है, ये 3900 है और यहाँ 3400 है, मतलब ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपका उत्तर होगा। क्या क्वेश्चन है,
एक तांगा 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कितना 3 घंटे में कितना जाता है, वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तांगे की औसत चाल है, ठीक है, 3 घंटे में कितनी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तांगे की औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर आपको चाल निकालना है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी है, इस क्वेश्चन में दूरी है 60 किलोमीटर। ठीक है, ये 60 लिख दिया, समय कितना है तो 3 घंटे लिख रखा है। ठीक है, आप 60 में जो है 3 से भाग लगाएंगे, 3 × 2 = 6, यानी कि क्या उत्तर आया आपका 20, मतलब 20 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर है और यहाँ घंटा है, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। या फिर ऐसा समझ लो कि ये जो है 1 घंटे में इतनी दूरी, इसके बीच की गैप 1 घंटा, यहाँ दूसरा और ये 3। ठीक है, तो 60 के हम अगर 3 हिस्से करें तो यहाँ 20 आ गया, फिर 20, इस प्रकार 20 × 40 = 60, मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो, इसके तांगे के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो 20 किलोमीटर। ठीक है,